हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। घर पे मेहमान आए हुए हैं तो सोचा कि आज कटहल की सब्जी बनाएंगे, सो लेट्स गो। तो पहले हम कटहल को पेड़ से काट के घर ले आते हैं। अब हम कटहल को काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, याद करके अच्छे से हाथों पे, और जिस पे काटोगे कटहल उस पे अच्छे से तेल लगा लेना, फिर काटना, नहीं तो चिपक जाएगा। तो हम लोग अब मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले में प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा ले लिया है, इसका जैसे पेस्ट बना लेंगे। और मैंने लिया है हल्दी और मिर्ची पाउडर, और दो तेज पत्ता भी लिया है। कटहल को अच्छे से धो के कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने पानी ले लिया है कढ़ाई में, गर्म हो गया है पानी। अब हम कटहल इसमें दे देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे देंगे, और इसमें नमक डाल के अच्छे से ढक देंगे उबालने के लिए। 25 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे। मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में तेल दे देंगे, और बारीक कटा हुआ प्याज दे देंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए। फिर इसमें दो तेज पत्ता दे देंगे। इसको भूनते भूनते प्याज लहसुन का पेस्ट दे देंगे और अच्छे से भूनेंगे। इसमें जीरा और अदरक का पेस्ट जाएगा। अब इसको अच्छे से भूनेंगे थोड़ा। हम इसमें हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर दे देंगे। पानी ऐड कर देंगे। मसाला भून चुका है अच्छे से, देख रहे हो आप लोग। अब हम इसमें टमाटर दे देंगे और अच्छे से भूनेंगे। क्या हुआ कटहल दे देंगे इसमें। गर्मी इसलिए मैंने कम मसाला यूज किया है। आप लोग ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। बस पानी ऐड करेंगे। सब्जी तैयार हो गया है। हम यहाँ का पत्ता भी आप देख सकते हो, और गरम मसाला मैंने ऐसे भी यूज़ नहीं किया है। चाहे वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।